ये जी सुबह का मौसम, सुबह के 7 हो रहे हैं इस वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, जा रहे हैं, खुश रहें, अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ अता करे। तो जी अल्लाह ताला की करोड़ों रहमतों और नेमतों के साथ आज की वीडियो करते हैं शुरू। तो मौसम का सीन कुछ यूँ है कि थोड़ी थोड़ी सर्दी है और सर्दी में इजाफा हो रहा है क्योंकि सर्दी आ रही हैं। दिसंबर में तो फुल सर्दी आ जाएंगी, लेकिन अभी से ही मतलब सर्दियों में कुछ इजाफा हो रहा है। रात को भी काफ़ी सर्दी थी और अभी भी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और सर्दी का समा लग रहा है। तो बैक साइड पे आपको इसलिए नज़र नहीं आ रहा कि सामने सूरज है, इसलिए आपको बैक साइड पे ब्लर नज़र आ रहा होगा। ये जो आप पीछे कोई चीज़ देख रहे हैं, ये हैं लकड़ियाँ। ये लकड़ियाँ किस चीज़ की हैं? ये लकड़ियाँ हैं कपास की, पौधों की। जब कपास हम काश करते हैं, जब वो ख़त्म हो जाती है, कपास निकल जाती है, तो उनकी जो लकड़ियाँ बचती हैं फिर वो हमारे बहुत काम आती हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारे गांव में जो है वो कोई भी मतलब गैस का सिस्टम नहीं है, अभी तक गैस वैस नहीं लगी। तो ये जो लकड़ियाँ हैं फिर हमें सर्दियों में चूल्हे जलाने के, खाना पकाने के, किचन में बहुत काम आती हैं, पूरा साल आराम से चल जाती हैं। तो आपको करी से दिखाते हैं। ये देखें जी, यहाँ से घर शिफ्ट करेंगे, यहाँ पड़ी हुई हैं। ये कपास के पौधों की लकड़ियाँ हैं जो फिर हमें सर्दियों में चूल्हा जलाने के काम आएंगी। ये अभी गीली हैं लेकिन जब सूख जाएंगी तो ये किचन में काम आएंगे हमारे, पूरा साल आराम से चल जाएंगे। ये तो सारी घर पे रखी हुई हैं, पूरा साल आराम से चल जाएंगी। ये कपास के फसल की, उसके पौधे की लकड़ियाँ हैं और ये सूख जाती हैं तो ये बहुत हमारे काम आती हैं। आज मुझे किसी से मिलवाना है आपको, इसको शायद आप जानते होंगे, मेरी वीडियोस में एक्टिंग वेक्टिंग करती रहती है, मेरी सिस्टर है, इसका नाम सुगरा है। तो हाय करो। हाय, कैसे हो आप सब? वीडियो को लाइक किया करें, हमें सब्सक्राइब किया करें, चैनल को सब्सक्राइब बोल रही है, सब्सक्राइब करें। तो जी ये मेरी सिस्टर है और एक अच्छी फ्रेंड भी है मेरी, तो हम अक्सर साथ में वीडियो बनाते हैं। तो ये बोल रही है मुझे भी वीडियो में लो, और मैं सब आपकी जो ऑडियंस है उनके साथ मिलना चाहती हूँ, उनके साथ हाय लो करना चाहती हूँ। हाय, आप सब कैसे हैं? आप सब ठीक है? मुझे उम्मीद होगी आप सब ठीक है। हमें सब्सक्राइब क्या करें, हमें लाइक क्या करें, कमेंट क्या करें। बात करेंगे आज की इस वीडियो में सबा बाजी के बारे में। सबा बाजी की तबीयत कुछ ख़राब थी, पिछली दो वीडियो में आपने देखा कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और वो रो भी रही थी। तो एक बहुत अच्छा कपल है और अच्छे व्लॉगर हैं, सादा से लोग हैं और बहुत प्यारे लोग हैं। तो सबा बाजी के लिए दुआ करें कि उनकी तबीयत बहुत जल्दी ठीक हो जाए। मेरा इरादा था जाने का, लेकिन अभी मैंने कैंसिल कर दिया है, बातचीत मेरी हो रही थी, लेकिन सबा बाजी की तबीयत कुछ ख़राब है। तो जैसे वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी तो फिर इंशाल्लाह मैं जाने का प्रोग्राम बनाऊँगा, फिर साथ में वीडियो भी बनाऊँगा उनके साथ और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगा। इंशाल्लाह ताला आपकी दुआओं की ज़रूरत है। आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, इतने कम टाइम में मेरे 1000 से सब्सक्राइबर ऊपर चले गए, तो आप सबकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और प्यार देते रहें, और ऐसे ही मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूँगा इंशाल्लाह ताला, अगर अल्लाह ने चाहा तो। तो पीछे जो मेरी आप ये ज़मीनें देख रहे हैं, ये आपको इसलिए खाली खाली नज़र आ रही हैं कि इस टाइम सीज़न नहीं है फसल का, मतलब इस टाइम सारी ज़मीनें खाली हैं, लेकिन कुछ ही दिन के बाद यहाँ पर हरियाली हरियाली होगी। यहाँ पर सरसों की फसल काश्त होगी, गंदम की फसल काश्त होगी, तो यहाँ पे मतलब बहुत मज़ेदार मौसम हो जाएगा, बहुत ही रौनक हो जाएगी, लेकिन अभी सीज़न नहीं है तो इसलिए आपको कुछ सुना सुना नज़र आ रहा है। अभी ज़मीनें हम तैयार कर रहे हैं फसल के लिए, जैसे ज़मीनें फसल के लिए तैयार हो जाएंगी तो उसमें गंदम और सरसों की और सब्ज़ियाँ भी काश्त होंगी, तो सारा ये एरिया आपको हरा भरा नज़र आएगा, बहुत मज़ा आने वाला है आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला। तो हमारे साथ रहेगा, हमारे साथ बने रहेंगे इंशाल्लाह ताला, आपके साथ हर चीज़ शेयर करेंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें, अपनों के साथ रहा करें। यूट्यूब पर अगर काम करें तो मेहनत किया करें और ओरिजिनल कंटेंट, अपना साफ़ सुथरा कंटेंट लेके आएँ, किसी भी गलत चीज़ से या किसी भी गंदी कंटेंट से परहेज़ किया करें, दूर रहा करें, अपना ओरिजिनल कंटेंट लेके आएँ।
मेहनत करें, इंशाल्लाह ताला आपको भी एक दिन ज़रूर कामयाबी मिलेगी। और हर कोई अपने रूटीन के हिसाब से गांव के जो काम काज होते हैं वो कर रहा है, और हम बना रहे हैं आपके लिए व्लॉग। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आप लोगों के साथ रहेगा, जा रहे हैं, खुश रहें, हंसते हैं, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा और सपोर्ट करते रहिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।